2019 बहुत अच्छा जाए और जिसका 2018 खराब गया उसका 2019 उससे भी ज्यादा अच्छा जाए। तो ये मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से, संजय भूषण पटियाला के माध्यम से, इस न्यूज चैनल के माध्यम से, कि सबका नया साल बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा काम करें और सब लोग अपनी सक्सेस को आगे बढ़ाएं। कुछ दिलीप जी, सलमान जी सर, आज आए हुए सागर जी घर पे, साईं बाबा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मुझे जब इन्होंने फोन करके बताया कि ऐसे स्थापना की पूजा सत्यनारायण और साल का पहला दिन था, तो मैंने ये सोचा कि इससे अच्छा दिन मेरे लिए क्या हो सकता है, मैं जरूर जाऊँ, दर्शन करूँ। और सागर अपने घर का बच्चा है, इसलिए प्रोत्साहन दूँ। और फिर इसने मुझे बताया कि संजय भूषण पटियाला जी भी आ रहे हैं, बहुत खुशी हुई। संजय जी ने अभी मेरी बेटी की शादी थी, जो उन्होंने मेरे साथ 5 दिन 6 दिन मेहनत की, वो शायद उनका ये कर्ज शायद ये जिंदगी में नहीं उतार पाऊंगा। तो अभी अभी मालूम चला कि दिलीप गुलाटी जी बॉलीवुड की बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं, तो क्या सागर पांडे उस फिल्म में हिस्सा होंगे? पक्का जी, मेरी हमेशा पूरी कोशिश रही है कि मेरी हर फिल्म में ये रहे। और 2019 में कुछ हम 3 भोजपुरी और 3 बड़ी हिंदी फिल्में प्लान कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी सारी फिल्मों में ये रहेंगे, ऐसी पूरी मेरी। तो सागर में डेट है आपके पास? बहुत, अगर मेरे पास डेट नहीं भी रहेगी तो दिलीप जी की ये सारी डेट कैंसिल करके, और मैं इनके साथ हमेशा काम करने की कोशिश करता हूँ। और आज तक ऐसा नहीं हो कि इनकी कोई फिल्म हो उसमें मैं ना रहूँ, मोस्टली मैं ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों में रहता हूँ, और इनकी 6 फिल्में स्टार्ट हो रही हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों में रहने की कोशिश करूँगा और रहूँगा। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि दिलीप जी की ही पहली फिल्म थी जिससे आपको ब्रेक मिला था। ये हकीकत है, और मैं मोस्टली सारे इंटरव्यू में, हर इंटरव्यू में बताता हूँ कि दिलीप जी ने ही मुझे सलमान खान बनाया। मैं एक एक्टर था जो यूपी से, राजा भैया के शहर प्रतापगढ़ से आया था, और इन्होंने मुझे देखा, बोला यार इनके साथ एक बहुत बड़े विलेन हुआ करते थे, फिर क्या नाम था उनका, गोगा कपूर जी, इनके मुँह से सुनिए, गोगा कपूर जी ने मुझे देखा और बोला यार ये मुंडा तो सलमान खान दिखता है, तो दिलीप जी इन्हें बुला लो, और इन्होंने मुझे बुलाया और पहली फिल्म में एज ए हीरो लॉन्च किया, एज ए सागर पांडे, सलमान खान सागर सलमान खान बना दिया इन्होंने, सागर सलमान पांडे। और आज से मैं तब से आज तक मैं सागर सलमान पांडे बन के और पूरा वर्ल्ड घूम लिया, इंडिया में काफ़ी फिल्में कर लिया, सलमान खान सर के साथ में काम कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ अभी लेटेस्ट में सलमान जी साथ कौन कौन सी फिल्में आपने की है? सर मैं ये आपको उनकी फिल्मों के बारे में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि कंपनी मुझे बाउंड कर रखती है, बट मोस्टली मैं सलमान भाई के साथ उनकी फिल्मों को बड़ी डेवलप करता हूँ, और भाई के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और मुझे मानते भी हैं, और जितना काम होता है मैं करता हूँ उनके साथ, सारी फिल्मों करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा एक दो डायलॉग हो जाए सलमान जी का, यार कमाल करते हो, स्वागत नहीं करोगे हमारा? नया साल है, स्वागत करो, आप सबका स्वागत है, आइए आपके साथ में खेलते हैं 10-10 कदम, यानी 2019 में 10 कदम नहीं 20 कदम। मेरे बारे में इतना मत सोचो, दिल में आता हूँ समझ में नहीं, आप टेबल के पीछे, टेबल आपके पीछे, टू मच फन, ये जीना भी कोई जीना है जिसमें किक ना हो पगली। दोस्तों बस ऐसे ही आपको इंटरटेनमेंट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। दिलीप जी आपके